तो दोस्तों कैसे हो आप सभी दोस्तों। मैंने ये स्नैक्स बनाए हैं, ये देखें। हाँ, ये स्नैक्स मैंने बनाए हैं, ये देखें। हाँ भाई, कैसे लगे? कैसे हैं? खा रहा मजे से भाई? इतना नहीं सोचते, स्वादिष्ट ठीक है। अबे यार ऐसे मत करना, चल ले। तो ये स्नैक्स बन चुके हैं, शाम हो गई है, तो मैंने थोड़ा आलस में आने के बाद ना ये थोड़े से स्नैक्स बनाए हैं जो अच्छे लग रहे। गैस वैसे ऑन बंद तो है ना सारी? देखियो गैस बंद है ना सब? तो दोस्तों डिनर करने के बाद, सॉरी, मैंने जो स्नैक्स बनाए थे वो खाने के बाद डिनर की तैयारी कर रही हूँ। डिनर की तैयारी में आज क्या बनाएंगे? और आप लोगों को एक बार बताऊँ, मेरे किचन में लाइटिंग की बहुत ज़्यादा कमी है, तो आपको लगता होगा कि ये पता नहीं कैसे वीडियो बनाती है, लाइट वाइट होती नहीं है। तो दोस्तों मैं इतनी तैयारी के साथ वीडियोस नहीं बनाते, मैं आप लोगों को बता दूं। मैं वीडियो का मतलब बनाती हूँ जब मेरा मन होता है तभी मैं वीडियो बनाती हूँ, और मैं इस चीज़ का ध्यान में रखती लाइटिंग है या नहीं है, क्योंकि देखो सारी चीज़ अगर मेरे को इसी प्रकार करनी होती है तो वही बात है ना, मेहनत तो मैं करना चाहती हूँ, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता कि मैं अलग से, आप लोग समझ सकते हो कि मैं अलग से ये चीज़ें नहीं कर सकती, अलग से लाइटिंग का सिस्टम नहीं कर सकती। मैं सिर्फ वो चीज़ें दिखाती हूँ जो मैं बेसिक जो चीज़ें मैं बनाती हूँ वही, मैं स्पेशल कोई चीज़ें नहीं बनाती हूँ, आप लोग समझिए। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़रूर किया करें, क्योंकि अगर फैसिलिटी चाहूँगी तो उसके लिए खर्चा होता है, और बिना खर्चे के ये लाइटिंग वगैरह नहीं आ सकती, तो आप लोग समझ सकते हो। तो दोस्तों मैंने दाल पालक बनाया है, दाल पालक के बाद उसके छौंक की तैयारी कर रही हूँ। छौंक वही है जो आप लोग भी लगाते हो दाल में, वही मैं कर रही हूँ। और जो मैंने अपनी बता दी समस्या वो है, तो कोई बात नहीं, ये चीज़ें भी धीरे धीरे सेट होगी। जब मैं कुछ YouTube से कमाना शुरू करूँगी तो शायद मैं सारी फैसिलिटी कर लूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे वीडियोज़ में लाइटें कम होंगी, तो उसके लिए सॉरी आप लोगों से। आपको पता है घरेलू महिला के किचन में कितनी लाइट होती है, कितनी नहीं। अगर से सेट बनाना है अलग से तो उसमें काफ़ी मेहनत और काफ़ी पैसा खर्च होता है, तो इसलिए मेरी वीडियो ऐसी होती है। लेकिन ये नेचुरल चीज़ें होती हैं, नेचुरल चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, कोई एडिट भी नहीं करती हूँ। तो धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए, देखते रहिए ऐसे ही।